दोस्तों 1998 OR2 जो कि एक एस्ट्रॉइड है जो कि 29 अप्रैल को पास होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1998 OR2 एस्ट्रॉइड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में छुपा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और आपको उस टाइप के वीडियोस में आपको अगर इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अब चलिए जल्दी से जानते हैं 1998 OR2 के बारे में। दोस्तों ये 1998 OR2 एस्ट्रॉइड का जो डिस्कवर हुआ था इसको NEAT के एस्ट्रोनॉमर्स इसको डिस्कवर किए थे। 24 जुलाई 1998 को इसको डिस्कवर किए थे। अब ये 1998 को डिस्कवर हुआ है इसलिए इसका नाम भी 1998 OR2 रख दिया गया। अब इस 1998 OR2 एस्ट्रॉइड को वन ऑफ द लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट एस्ट्रॉइड माना जाता है और इस 1998 OR2 एस्ट्रॉइड को एमोर ग्रुप में डाल दिया जाता है। दोस्तों अब एमोर ग्रुप क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों जो कोई भी एस्ट्रॉइड्स धरती के नजदीक होते हैं ये सभी एस्ट्रॉइड को एमोर ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब ये 1998 OR2 भी कुछ ऐसा ही है, मतलब ये भी धरती के नजदीक ही है इसलिए इसको एमोर ग्रुप में डाल दिया जाता है दोस्तों। और 1998 OR2 को एस्ट्रॉइड ओपोलो में क्लासिफाई करा जाता है, क्योंकि अब आप एस्ट्रॉइड ओपोलो क्या है, क्यों इसके अंदर क्लासिफाई करा दिया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों ये भी सेम एमोर ग्रुप के तरह ही है, जो कोई भी एस्ट्रॉइड्स अर्थ के नियरर होते हैं उनको एस्ट्रॉइड ओपोलो में क्लासिफाई करा जाता है, इसलिए इस एस्ट्रॉइड 1998 OR2 को ओपोलो एस्ट्रॉइड में क्लासिफाई कर दिया गया है। अब हम जानते हैं 1998 OR2 के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब 29 अप्रैल को ये कितनी दूरी से पास होने वाला है हमारी अर्थ से, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ये जो 1998 OR2 है ये 6.3 मिलियन किलोमीटर के दूरी से पास होने वाला है हमारे अर्थ से, मतलब ये बराबर इक्वल होता है 16 लूनार डिस्टेंस। अब 16 लूनार डिस्टेंस, लूनार डिस्टेंस क्या है दोस्तों, अर्थ और मून के बीच में जो कुछ भी डिस्टेंस होता है इसको लूनार डिस्टेंस कहते हैं। अब आप सोचिए कि 16 लूनार डिस्टेंस दूरी से ये एस्ट्रॉइड पास होने वाला है, मतलब हमारे अर्थ को कुछ भी इस हानि नहीं है। अब हम जानेंगे कि ये एस्ट्रॉइड 1998 OR2 2020 के बाद फिर कब पास होने वाला है। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों, तो सुनिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों ये एस्ट्रॉइड अगले बार 2031 मई 18 को पास होने वाला है नासा के आर्टिकल के अनुसार। अब मई 18 2013 को ये 16 मिलियन माइल्स के दूरी से पास होने वाला है। तो सोचिए 2031 को भी कोई भी हमें हार्म नहीं है, हमारे अर्थ को कुछ भी हार्म नहीं है दोस्तों। तो जिनके दिमाग में भी ये एस्ट्रॉइड 1998 का OR2 का जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि ये अर्थ के बहुत नजदीक से पास होने वाला है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये पास होने वाला है बहुत दूरी से। तो ये रहा 1998 OR2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को इसको लाइक करिए और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होना, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बेहद जरूरी है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइंस के वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।